मैं आज एक न्यूज़ देखी, एमपी में किसी एक 8वीं कक्षा के बच्चे ने उसके टीचर ने उसको कुछ बोल दिया और उसने सुसाइड कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, कुछ दिनों में हम लोग एक ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और आप लोगों को भी उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। ये इंडिया में ही होगा लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोमांचक होगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे ब्लॉग्स देखते रहें टाइम टू टाइम। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज एक न्यूज़ देखी, एमपी में किसी एक 8वीं कक्षा के बच्चे ने अपने किसी भी एक मुद्दे को लेके शायद उसके टीचर ने उसको कुछ बोल दिया और उसने सुसाइड कर लिया। बहुत ही सेंसिटिव इशू था और रीज़न क्या था, उसके टीचर ने उसको डांट दिया किसी बात पर और उसने कदम उठा लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों टीचर्स इस तरीके से बच्चों को ह्यूमिलिएट करते हैं कि बच्चे इस लेवल पे आके कदम उठा लेते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है माँ बाप का नहीं समझना अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को, क्योंकि बच्चा किसी ने किसी से तो बात करना चाहेगा ना, वो किसी को तो बताना चाहेगा कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या उसकी क्या डिसेबिलिटीज़ हैं जो उसको रोक रही हैं कुछ करने से। माँ बाप का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो उस बच्चे से बात करें, समझें, उसकी प्रॉब्लम्स को समझें और उसको गाइड करें अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर कई माँ बाप फेल हो जाते हैं और जब वो फेल हो जाते हैं तो उनका कम्युनिकेशन अपने बच्चों से कटने लग जाता है और जब वो कटता है तो फिर बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं। मैं इस मामले में माँ बाप को जिम्मेदार मानता हूँ कई हद तक, क्योंकि वो बच्चे को इतना मजबूत नहीं बनाते हैं कि वो अपने चैलेंजेस को फेस कर सके। वो उसको डराते हैं, उसको ये बोलते हैं कि तू पढ़ेगा नहीं तो तू कुछ नहीं बन पाएगा। कि माँ बाप का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपने बच्चे को हर काम के लिए मोटिवेट करे। अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है, इट्स ओके, चलो नहीं भी पढ़ पाया तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा? नहीं होगा। कोई ना कोई एक कैपेबिलिटी तो भगवान उसको दी होगी, आर्टिस्टिक होगा कोई तो उसकी एक एबिलिटी होगी जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर लेगा आगे जाके। माँ बाप को यही तो समझने की ज़रूरत है कि उसकी एबिलिटीज़ क्या है और उसको अकॉर्डिंगली मोटिवेट करना है और उसको शेप करना है। लेकिन माँ बाप यहाँ पे फेल कर जाते हैं। माँ बाप उसको एक का एक रट्टा मारते हैं कि भैया तेरे को 10वीं में 90% लाने पड़ेंगे, 60% लाने पड़ेंगे, 70% लाने पड़ेंगे, 12वीं में ये करना पड़ेगा, तुम्हारे पास डिग्री नहीं होगी तो तुम भेड़ चराओगे। यही सब कर करके बच्चे को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं, इतना डिग्रेड कर देते हैं कि वो उसको लगता है कि अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो ये दोस्तों कि ज्ञान लेने के लिए है ना आपके हाथ में डिग्री या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। इंसान को जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है ना, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है उस नॉलेज को गेन करने के लिए, है ना। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी लुढ़कते वुढ़कते करी है, लेकिन जो भी मैं सीखा हूँ अपनी लाइफ में वो मैं कर करके सीखा हूँ। काम किया और जहाँ मुझे लगा कि उस काम से रिलेटेड मुझे कोई नॉलेज चाहिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से मैंने अपना नॉलेज गेन किया और अकॉर्डिंगली फिर अपना परफॉर्मेंस दिया और मैं सक्सेसफुल भी रहा। प्रॉब्लम किसको नहीं है, मैं एक्चुअली जो इस बात के पीछे जो मुद्दा है मेरा वो ये है कि प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है। हम आप सब लोग कोई ना कोई संघर्ष कर रहे हैं ज़िंदगी में, हम सब लोग कोई ना कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो कि बड़े भी हो सकते हैं, शायद वो उस लेवल पे भी हो सकते हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाए। लेकिन क्या सुसाइड करना या इस तरह के कोई कदम उठाना कोई सोल्यूशन है? आपको लगता है कि ये राइट सोल्यूशन है? नहीं है। आप लोग एग्री तो नहीं करेंगे इस बात पर। दूसरी बात, भगवान ने अगर ये ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी को छीनने का हक भी भगवान का ही है, आपको वो हक नहीं दिया है भगवान ने, तो फिर जो काम भगवान का है उसका आप करने वाले कौन होते हो? और आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाओ कि ये ज़िंदगी भगवान ने दी है, बहुत प्रेशियस है, इसको जीना आना चाहिए। और ज़िंदगी है तो संघर्ष भी होगा, संघर्ष के बिना ज़िंदगी नहीं होती है, तो संघर्ष से भागने की कहाँ ज़रूरत है? डिप्रेशन हर एक को आता है, चैलेंजेस सबको आते हैं। मेरे साथ अभी, मैं 13 साल का मेरा कॉरपोरेट करियर रहा है सेल्स और मार्केटिंग का, 3 महीने पहले मुझे मेरी कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोविड के चलते प्रोजेक्ट्स नहीं थे। 13 साल का करियर था मेरा इस कंपनी के लिए, मैं 3 साल से काम कर रहा था, अच्छी खासी इनकम थी मेरी, स्टेबिलिटी थी लाइफ में, मेरी फैमिली है, मैं शादीशुदा हूँ। आपको क्या लगता है ये नौकरी जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मुझे चैलेंज नहीं आए होंगे या मैं मेरे सामने कोई एक डिप्रेशन का माहौल नहीं बना होगा? बिल्कुल बना। लेकिन क्या मैं इस पर सुसाइड करूँ या क्या मैं ऐसा कोई कदम उठाऊं जिससे मेरी पत्नी को या मेरे परिवार वालों को तकलीफ हो जाए? नहीं उठा सकता मैं। भगवान ने मुझे वो अधिकार नहीं दिया, भगवान ने मुझे एक अधिकार दिया है कि मैं अपने संघर्ष को पहचानूं, उसको ओवरकम करने के लिए रास्ता ढूंढूं, मेहनत करूं। हार्ड वर्क से हर चीज़ हासिल हो जाती है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कभी कभी आप में टैलेंट नहीं भी होता है ना तो भी कोई बात नहीं, आप हार्ड वर्क से उस टैलेंट को भी बीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करने से भी डरोगे और फिर आप अपने संघर्ष को और अपने डिप्रेशन को इस चीज़ का ठीकरा दोगे कि नहीं यार हमारे तो लाइफ में डिप्रेशन है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बस ये कोई सोल्यूशन नहीं है सुसाइड करना
ठीक है, और इतना छोटा बच्चा जो आठवीं कक्षा में पढ़ता है उसके लिए कदम उठाना माँ बाप के लिए एक सवाल खड़ा करता है कि उन्होंने अपनी परवरिश में क्या कमी रख दी। क्यों माँ बाप ये नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे आपकी मर्जी से आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसे ही आ गए इस दुनिया में। तो जब वो आपकी मर्जी से आए हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रही बात आपके बच्चे होने की, तो आपके बच्चे नहीं, वो हैं तो भगवान के बच्चे, आपको तो उन्होंने सिर्फ केयर टेकर बनाया है। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप उनको सही दिशा दिखा के आगे बढ़ने में मदद करें और उनकी ग्रोथ में उनका साथ दें, ना कि आप उन पर अपने सब फैसले थोपें और अपने कोई भी सपने उनके ऊपर थोप दें। यार आप चाहते हो कि वो बिजनेसमैन बने, या आप चाहते हो कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर उसकी नहीं है कैपेबिलिटी, या मैं तो कैपेबिलिटी भी नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट आर्टिस्टिक है कि वो एक्टर बनना चाहता है, वो मॉडल बनना चाहता है, वो कुछ भी, वो पोएट बनना चाहता है, वो राइटर बनना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप उसको बनने दो ना, आप उसको समझो ना, आप उसकी प्रॉब्लम को समझो ना। आप क्यों उसको फोर्स करते हो कि नहीं भाई जो हम बोलते हैं वो तू करेगा, ऐसा नहीं चलता है। आप माँ बाप हो, आपकी मर्जी से वो दुनिया में आया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसको उसकी ज़िंदगी का जीने का हक दो। वो अपने तरीके से आगे बढ़ सकता है, उसको अधिकार है, और ये अधिकार उसको भगवान ने दिया है, आप भी कोई नहीं होते उसको रोकने वाले। माँ बाप होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए और अकॉर्डिंगली अपने बच्चों को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो ये ऐसे ही केसेस होंगे और पछताएंगे सारे लोग बाद में। बच्चे मिले हैं, परिवार क्यों देते हैं भगवान? खुश रहने के लिए, इसलिए नहीं देते कि आप उन पर है ना अपने फैसले थोपे और उनको स्ट्रेस में डालें और उनको डिप्रेशन में लाएं। अगर आपकी वजह से आपके डिप्रेशन, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं ना, तो आपका माँ बाप होना बेकार है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। और ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये जो मेरी हार्श लैंग्वेज है ना, ये सुनाने के लिए नहीं है, ये आउट ऑफ दैट जो मेरे को जो दर्द हो रहा है ना उस बच्चे के जाने का, ये उस दर्द की वजह से आ रहा है। आप प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब आपको मैं अपनी बात बता रहा था, जब मुझे मेरी कंपनी ने निकाला तो क्या मैं सुसाइड कर लेता? नहीं, मेरे पास भी वही ऑप्शन था कि मैं संघर्ष करूं, मैं अपनी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करूं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि 13 साल के इस करियर में मैंने सिर्फ ऑटो पायलट वाली ज़िंदगी जी, जो मेरे सामने आता गया मैं करता गया। सेल्स मार्केटिंग में मेरे को जॉब मिली, फिर मैं आगे बढ़ता गया, मैंने अच्छा पोजीशन एक लेवल अचीव कर लिया, अच्छी खासी सैलरी हो गई, अच्छी खासी स्टेबिलिटी हो गई लाइफ में, सब कुछ मिलने लग गया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरी इंटरेस्ट फील्ड नहीं था, वो सिर्फ वो था कि मैं भाई पैसे कमा रहा था, मेरी पैसों की ज़रूरत पूरी हो रही थी और मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन जब ये नौकरी गई और जब मैंने बैठ के अपने आप को एनालाइज़ किया, अपने साथ टाइम स्पेंड किया खुद के साथ, तो मैंने समझा कि मेरी एबिलिटीज़ राइटिंग में है, मेरी एबिलिटीज़ वीडियो मेकिंग में है, वीडियो एडिटिंग में है, मैं कॉन्टेंट क्रिएटर बन सकता हूँ बहुत अच्छा। और जब मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी चीज़ में आगे बढ़ूंगा, नो मैटर कि मैंने 13 साल का अपना जो भी करियर रहा है उससे रिलेटेड वापस आगे का फील्ड नहीं चुना। तो क्या हो गया? नहीं चुना तो नहीं चुना, मुझे थोड़ा रिवर्स गियर लगाना पड़ा, मुझे थोड़ी इनकम डाउन करनी पड़ी, सब कुछ हुआ। तो क्या हो गया? वो भी एक संघर्ष का हिस्सा है ज़िंदगी में, उसको भी मैं फेस करूंगा और मैं प्रूव करूंगा मैं बेस्ट हूँ। अगर मैं गुड हूँ तो मैं बेटर बनूंगा, मैं बेटर हूँ तो मैं बेस्ट बनूंगा, लेकिन मैं मेहनत करता रहूंगा। जब तक आप लोग मुझे ये नहीं बोल देते कि भैया तू बहुत अच्छा कंटेंट बनाने लग गए, तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, हारूंगा नहीं मैं और मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, ये बात पक्की है। तो बस यही दरख्वास्त है मेरी आप लोगों से, कई ऐसे यंगस्टर्स होंगे जो ये वीडियो देखते होंगे, मैं उन लोगों को ये कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डिप्रेशन का शिकार होने से बचिए। डिप्रेशन सबको आता है, ये एक बाय प्रोडक्ट है आपके संघर्ष का, ठीक है। डिप्रेशन कोई बला नहीं है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर देगा, डिप्रेशन आना अच्छी बात है, लेकिन उसको पॉजिटिविटी में बदलो, उसको उस डिप्रेशन को अपना हथियार बनाओ अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, ना कि उसके उससे जूझ के अपने आप को ख़त्म कर लो। क्या मिल जाएगा यार, 12 दिन घर वाले रो लेंगे, 13वें दिन से सब भूल जाएंगे, किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कौन थे और कहाँ चले गए। लेकिन कुछ कर लोगे ना तो ज़िंदगी भर तुमको लोग याद रखेंगे। तो अपने आप को प्रूव करने में संघर्ष कर लो ना भाई, तुम क्या है 2 महीना परेशान रहोगे, 3 महीना परेशान रहोगे, 1 साल परेशान हो जाओगे, लेकिन उस 1 साल की मेहनत तुमको कहीं ना कहीं तो ले जाएगी, कुछ तो दिखाएगी। तो प्लीज़ 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 मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने आप को इतना नीचे मत गिराओ, इतना अपने आप को डीग्रेड मत करो, डाउनग्रेड मत करो, अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को कि भाई हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी के कुछ कहने से अपने आप को जज करना बंद करो, अपनी एबिलिटीज़ को खुद पहचानो, उसको नर्चर करो, संघर्ष करो, मेहनत करो और प्रूव करके दिखाओ कि हम जो सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। मैं जो हार्श लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके लिए कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। मेरा इरादा आप लोगों का दिल दुखाने का या आप लोगों से हार्श बात करने का नहीं था, ये जो भी निकला ये बहुत दर्द से निकला। उस बच्चे का जो मैंने आज न्यूज़ देखा उससे मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, और ये इसीलिए मैं बात करना आया आज कैमरे पर। चलो सैड पार्ट को अब ख़त्म करते हैं, और जो गुड पार्ट ये है कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रैवल शुरू करने वाले हैं 3 दिन में, बने रहे हमारे साथ, अपडेट्स बहुत जल्दी आएंगे, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही फन होने वाला है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हम लोग बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं आप ही लोगों के लिए। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो प्लीज़ अपना प्यार लुटाएं हम पे और हम लोग अपना बेस्ट क्रिएशन आप पे लुटाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।